परिवार के सबके सुख शांति रहे, यही मनोकामना लेके हम। आप कितने समय से आयोजन कर रहे हैं? ये 13वां आयोजन है साईं बाबा का, और इसीलिए इस कार्यक्रम की थीम भी इस बार साईं तेरा ही तेरा रखी गई है। आज कितने लोग इस साईं कुटुंब परिवार से जुड़े हैं? हजारों लोग साईं पालकी में हैं, और इसमें शिवमोहन बैंड और निश एकेडमी का पूरा डांस ग्रुप सारा साथ है, और हजारों लोगों की संग। धन्यवाद। समाज सेवी संजय मित्तल जी से, कैलाश चांदी वर्ग वाले, नाम तो सुना ही होगा सबको, मेरी ओम साई राम। और साई पालकी में आकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ, और ये हमारा सौभाग्य है, इस पूरे इलाके का सौभाग्य है कि साई बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा इसमें हम बढ़ चढ़ कर सभी इलाके के लोग हिस्सा लें। आज वो सोनकर समाज के अखाड़े का अध्यक्ष उनको चुना गया, और पूरे समाज का उनको प्रधान चुना गया। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। सोनू जी, सबसे पहले तो ओम साई राम। ओम साई राम। आपको साई पालकी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप ये बताइए, आपको यहाँ का प्रधान चुना गया है, आपका भविष्य में क्या क्या विचार है और क्या क्या आपकी प्लानिंग है क्षेत्र में कार्यरत होने? मेरी प्लानिंग तो बहुत बड़ी है। आप किस तरीके से लोगों को और नए युवाओं को, नई जो पीढ़ी है उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? सबसे पहली बात तो हम सारे बच्चों को अपने यहाँ पर अखाड़े में डालना चाहते हैं, जितने भी कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है उसके लिए। सारे आगे अपने हमारे अखाड़े में करें, हमें कोई टेंशन नहीं उसी, और जाए आगे हम पकड़ पकड़ के लाएंगे लोग आओ घर से बच्चे को, सबको यहाँ पर अच्छी अपनी संस्कृति मिलेगी, अच्छा अपना पहलवानी करेंगे, शरीर में उनकी जान पड़ेगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि स्वस्थ रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आज कितने बच्चे इस अखाड़े में आते हैं? 40-50 हैं। 40-50 बच्चे, और कितनी आप अपेक्षा करते हैं कि अगले साल हम इतने बच्चे जोड़ लेंगे? यहाँ तो 200-300 बच्चे आराम से आएंगे अगले साल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दंगल कराने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ बताइए, बच्चों के बारे में छोटा दंगल कराने जा रहे हैं। राजा बाबू नाम है आपका? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारा सोनकर समाज का खड़ा है, और हमारे समाज ने सोनू पहलवान जी को यहाँ का अंचार संभाला है, और पूरे समाज ने मिलके इनको यहाँ का प्रधान बनाया। ये मिलते हैं एक और अजीज हस्ती से, जो मलकागंज क्षेत्र से ही निगम पार्षद का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़े थे, और पेशे से एक एडवोकेट है। ओम साई राम। करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने सोनकर समाज का और जो अध्यक्ष ने चुने गए प्रधान जी, हमारे छोटे भाई सोनू, तो मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अखाड़े का रेनोवेट करवाया, बहुत कुछ मतलब अखाड़े का कायाकल्प किया है, और हम चाहते हैं कि आगे भी ये इसी तरह से जैसे निष्पक्ष और बिना किसी उसके ये काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहो, बच्चों को प्रोत्साहित करें। सबसे बड़ा इनका मोटिव ये है कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि बच्चे आएँ। आपका नाम? योगेश सोनकर। मैं तो पहले साई राम बोलूँगा, और तेजनी से अपनी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो साई कुटुंब के अंदर जुड़ने के बाद 13 साल से जुड़े हुए हैं, और न्यूज़ के बारे में और अपने साई संध्या के बारे में सारी चीज़ दिखाते हैं। दूसरा हमारा सोनकर समाज का अखाड़ा, और सोनू खड़ा छोटा भाई हमारा बहुत अखाड़ा अच्छा देख रेख में बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे अखाड़े में। कुछ हमारे बच्चे जो हैं छोटे कम वजन के हैं, 28 किलो के 38 किलो के वजन के, जो नेशनल पहलवान भी रह चुके हैं इस अखाड़े से, और आगे भी। दिल्ली का प्रति उनके मुख्य संपादक और सुमित बाजगी जी। सबसे पहले तो मैं तेजस्वी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा, जो इन्होंने लाइव कवरेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज जो हमारी साई पालकी है ये हर साल 13वीं चल रही है, मतलब 13 हो चुकी है, इसके बाद हमारी 18 दिसंबर को साई संध्या है। साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि भक्ति भाव में घुसे, आप एकता में विश्वास करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। आगे जाके हम मानते हैं, हम थोड़ी देर बैठ जाने का।
I'm